आज के वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी इमेज पीडीएफ या MP4 फाइल्स को अपलोड कैसे किया जाता है फायरबेस स्टोरेज में, जो भी इमेज वहाँ पे अपलोड हुई है उसको फेच कैसे किया जाता है और फायर स्टोर में उसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, पिछले एपिसोड्स में हमने कवर किए थे कि ग्रिड व्यू कैसे क्रिएट करना। उस ग्रिड व्यू के कोई भी एलिमेंट पे क्लिक होता है तो हमने एक यूट्यूब प्लेयर ओपन किया था। उस यूट्यूब प्लेयर में एक डिफ़ॉल्ट प्लेलिस्ट हमने डिस्प्ले की थी, राइट। वहाँ पे जो लिस्ट आ रही थी प्लेलिस्ट, वो हमने एक सेपरेट लिस्ट खुद बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट की थी कोड के अंदर। आज हम उसको एक ऐड वीडियो डिटेल्स की स्क्रीन से ऐड करेंगे और उसी में हम हमारी इमेज वाला जो फीचर है वो ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उन पूरी डिटेल्स को जिसमें वीडियो टाइटल, वीडियो डिस्क्रिप्शन और वीडियो आईडी और एक थंबनेल यूआरएल, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे फायर स्टोर में और वहाँ से जो भी डेटा स्टोर होगा उसको हम प्लेलिस्ट के लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे यूजिंग लिस्ट व्यू। तो ये पूरा टास्क आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। फ्लटर प्लेलिस्ट आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे, जिसमें हम चैटबॉट और AI रिलेटेड स्टफ़ भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो फ्लटर सीरीज़ को सपोर्ट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि कोडिंग कम्युनिटी में आप और हम दोनों ग्रो कर पाए और साथ में चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए। तो अब गाइस सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से इस टास्क को हम इम्प्लीमेंट करें। ओके गाइस, अब एक प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ्लटर पर क्लिक करता हूँ। तो ये जो लिस्ट आ रही है ना, ये आ रही है हमारी फायर स्टोर से, फायर बेस से, और जो ये जो डिटेल्स है ये सारी डिटेल्स हम ये वाली स्क्रीन पे ऐड करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये वाली स्क्रीन को क्रिएट करते हैं ऐड वीडियो डिटेल्स, जिसमें हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो आईडी और एक इमेज थंबनेल यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी टाइप की फ़ाइल ऐड कर सकते हैं, वो इमेज हो, MP4 फाइल्स हो या PDF हो, पर अभी इस वीडियो में हमें इमेज की रिक्वायरमेंट है तो हम इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। और ऐड डिटेल्स करने पर जो भी डिटेल्स ऐड होगी वो इस लिस्ट में हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये है हमारा आज का टास्क। अब पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट नाम का एक लिस्ट बनाया था, ठीक है। वैसे ही एक वीडियो उसका बनाया था जिसमें हमने थंबनेल यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले किया था। तो सबसे पहले अब हम इसको कमेंट आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछला एपिसोड कवर नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दी है, आप उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसी से ही कनेक्टेड ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो कोर्स डिटेल्स स्क्रीन हमने क्रिएट किए थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करेंगे, जो हमने पिछले एपिसोड में नहीं किया था। तो यहाँ पर उसके लिए आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड करना होता है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और उसमें ऑन प्रेस्ड इवेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऑन प्रेस्ड इवेंट पे आप यहाँ पे उसको बोलेंगे कि हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है, उसको मैं नाम दे देता हूँ कोर्स डिटेल्स, ठीक है। ये वाली स्क्रीन पे हमें नेविगेट करने के लिए हमें उसे बोलना है, और हमें एक आइकन यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड नाम का आइकन मैं दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा। ये हो गया हमारा जो बेसिक सेटिंग है आइकन्स का, ठीक है। अब आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसको मैं बोलूँगा कोर्स डिटेल्स डॉट डाट, ठीक है। कोर्स डिटेल्स डॉट डाट में हम एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसको मैं नाम दे देता हूँ कोर्स डिटेल्स, लाइक दिस। और एक पैकेज हम इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट पैकेज। इसमें हम बोलेंगे फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। ये एक पैकेज मैंने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि रजिस्टर पेज में जो हमने UI क्रिएट किए थे ना, जिसमें हमने फॉर्म से डिटेल्स लिए थे यूज़र से, वही सारी डिटेल्स हम इसमें भी लेंगे, ठीक है। तो वो वाला कोड मैं यहाँ से रीयूज़ कर लेता हूँ, तो इसमें टाइम सेविंग बहुत हो जाएगा। यहाँ से मैं चाइल्ड ले लेता हूँ और स्कैफोल्ड का पूरा कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, स्कैफोल्ड का, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर मैं चाइल्ड ऐड करके स्कैफोल्ड का पूरा कोड मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि इसमें जो भी डिटेल हम ऐड करेंगे ना,
उसके लिए हमको कंट्रोलर्स लगेंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कंट्रोलर्स क्रिएट कर देता हूँ। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, मैं बोलूँगा वीडियो नेम कंट्रोलर, जिसमें हम टाइटल ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर 1 दे देता हूँ। वैसे ही हमें दो और कंट्रोलर चाहिए, जिसको हम बोलेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर और एक वीडियो आईडी कंट्रोलर, ठीक है। एक हमें इमेज यूआरएल लगेगा, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और एक हमें थंबनेल यूआरएल लगेगा, ठीक है। ये कब यूज़ होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये एक्चुअली जब यहाँ पे जब इमेज पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम एक इमेज यूआरएल लेंगे, फिर ये डेटा स्टोर होगा फायरबेस में, ठीक है, फायरबेस स्टोरेज में। फिर वहाँ से जब वो डेटा स्टोर होके फेच होगा हमारे ऐप के अंदर, तो हम उसको इस वाले वेरिएबल में कैच करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ऐड वीडियो डिटेल्स कर देता हूँ, और हम हमारे कंट्रोलर्स को चेंज कर देते हैं। जैसे वीडियो नेम कंट्रोलर हो जाएगा, ये हो जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, और इसको मैं दे देता हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे नेम की जगह हम दे देते हैं वीडियो टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको वीडियो आईडी कंट्रोलर दे देते हैं, और ऑब्स्कर टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये टेक्स्ट में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये पासवर्ड ऑब्स्कर टेक्स्ट ट्रू रहेगा तो ये पासवर्ड जैसा दिखेगा, तो ये हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं टू फॉल्स। ये हो गया हमारा वीडियो आईडी। अब हमें यहाँ पे एक इमेज वाला क्रिएट करना पड़ेगा सेक्शन, तो उसको मैं यहाँ पे अभी ऐसे रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं उसको, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये विजिबल हो रहा है, ऐप फ्लटर रन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ करना होगा, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर था ना, पहले हमने यहाँ पे इमेज ऐड किया था, अब इस वीडियो में इस एपिसोड में हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट कलर का, ठीक है। अब ये जो स्पेसिंग आ रही है इन दोनों के बीच में, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो ये प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी स्पेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक सेक्शन ऐड करना है, जिसमें हमें इमेज कैच करना है सिलेक्ट करके, और उसको यहाँ पे डाउनलोड करके डिस्प्ले कराना है। उसके लिए हमें यहाँ पे दो सेक्शन लगेंगे, राइट। तो एक रो के अंदर मैं एक इमेज और एक बटन ऐड कर देता हूँ, उसके लिए हमें दो सेक्शन लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक इमेज सिलेक्टर और एक बटन, तो एक रो के अंदर हमें दो चीज़ें ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं उसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम एक सेंटर विजिट ले लेते हैं, ठीक है। उस सेंटर विजिट में हम एक चाइल्ड ऐड कर देते हैं, जिसके अंदर हमें रो ऐड करना है, ठीक है। इस रो के दो एलिमेंट्स रहेंगे चिल्ड्रन, और इसमें हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट बोल देते हैं कि वो स्टार्ट से ही शुरू हो। चिल्ड्रन में हमें अभी सबसे पहले एक लगेगा कंटेनर, जिसके अंदर हम इमेज को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक्सपांडेड विजेट की मदद से यहाँ पे एक कंटेनर को ऐड करेंगे। उस कंटेनर के अंदर हमें उसकी हाइट सेट करना होगा, जो हम बोलेंगे 200। उसकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 200। उसको मैं डेकोरेशन दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि उसकी बॉर्डर वगैरह हमें प्रॉपर दिखे। तो बॉक्स डेकोरेशन की मदद से आप वो कर सकते हैं। उसकी बॉर्डर मैं देता हूँ बॉर्डर डॉट ऑल, ठीक है। उसको हम कलर दे देंगे ब्लैक कलर, लाइक दिस। उसकी विड्थ हम बोलते हैं 1.0, और स्टाइल उसकी हम बोलेंगे सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड। अब उसके चाइल्ड में हम उसका इमेज डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। जो भी इमेज आ रही है उसको हम यहाँ पे, अगर अब यहाँ पे चेक लगाएंगे हम लोग, अगर इमेज यूआरएल नल नहीं है, मतलब एक बटन क्रिएट करके उस पर जब क्लिक करेंगे, तो अगर वो इमेज जो सिलेक्ट की हुई है वो अगर नल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इमेज जो अपलोड हुई है नेटवर्क से, जो भी इमेज मिली है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करो, और हम उसको नाम दे देंगे इमेज यूआरएल, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक प्लेस होल्डर बस दिखा दो कि यहाँ पे एक इमेज आने वाली है। इमेज नॉट इक्वल टू नल है, तो उसको चेक करो कि इमेज का जो यूआरएल है वो कौन सा है, वो लेके यहाँ पे डिस्प्ले करो। अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ प्लेस होल्डर डिस्प्ले करो, ठीक है। इसके बाद हम एक बटन ऐड कर देते हैं, एक एलिवेटेड बटन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ,
एलिवेटेड बटन, ठीक है। उसके ऑन प्रेस इवेंट पे हम एक मेथड कॉल करेंगे जिसको हम बोलेंगे सिलेक्ट फाइल, ठीक है। इस सिलेक्ट फाइल की मदद से हम जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो करेंगे, और टेक्स्ट फाइल सॉरी यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें शो करना है तो हम बोलेंगे सिलेक्ट फाइल, ठीक है। उस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा स्टाइल दे देंगे। अब इस बटन को स्टाइल देने के लिए यानी हमें थोड़ा सा उसको कलर वलर देना पड़ेगा बटन को, तो बटन स्टाइल में दे देता हूँ। उसका बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट ऑल की मदद से, ठीक है। यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कलर, और उसका कलर हम सेट कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक मटेरियल प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। ये हो गया हमारा बटन स्टाइल। अब सिलेक्ट फाइल क्या है? सिलेक्ट फाइल में जो भी हम चीज़ें ऐड करेंगे ना, मतलब पहले इसको रन कर देते हैं, इसको मैं अभी के लिए ऐसे कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का वो क्रिएट हुआ, ठीक है। अब ऑन प्रेस इवेंट पे हम यहाँ पे एक सिलेक्ट फाइल नाम की मेथड क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम यहाँ पे इमेज को गैलरी में से सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सिलेक्ट फाइल के लिए यहाँ पे एक क्रिएट करना पड़ेगा मेथड, ठीक है। सिलेक्ट फाइल नाम का मेथड मैं बोलता हूँ, और उसको हम असिंक कर देंगे ताकि जब तक कुछ ऑपरेशंस नहीं हो तब तक आगे की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं फ्यूचर दे देता हूँ और वाइट, ठीक है। अब आपको लेना है इमेज, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फाइल पिकर डॉट प्लेटफॉर्म डॉट पिक फाइल्स, ठीक है। इसकी मदद से हम इमेज या फाइल को पिक करेंगे, और इसको हम स्टोर करेंगे फाइल पिकर रिजल्ट, जिसको हम नाम दे देंगे रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल में हम उस फाइल को पिक करेंगे। अगर ये फाइल अवेलेबल है यानी अगर ये फाइल नल नहीं है तो हम उसका पाथ निकालेंगे, फाइल्स डॉट सिंगल डॉट पाथ, और इसको स्टोर करेंगे हम लोग फाइल नाम के वेरिएबल में, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ से उस फाइल का पाथ मिल चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स इंपोर्ट करना होगा डार्ट डॉट आयो, ठीक है। आयो फाइल आपको इंपोर्ट करना है, HTML वाली नहीं, ठीक है। अब यहाँ से फाइल अपलोड की, अब हमें फाइल का पाथ मिल चुका है, तो अब हम उस फाइल को अपलोड करेंगे इस मेथड के थ्रू। अब ये मेथड क्रिएटेड नहीं है, इसको भी हम क्रिएट करेंगे अभी। इस मेथड में वो अपलोड होगा, और जब तक ये फाइल अपलोड नहीं होगी तब तक वो वेट करेगा, ठीक है। जब वो अपलोड हो जाएगी तो उसमें से हमको एक URL मिलेगा जिसको हम बोलेंगे अपलोडेड इमेज URL। इस URL में वो इमेज का जो भी पाथ रहेगा वो हमें मिल जाएगा जो सर्वर पे अपलोड हुआ है, ठीक है। फिर वो चेक करेंगे कि अगर वो नल नहीं है, अपलोडेड इमेज URL अगर वो नल नहीं है और वो एम्प्टी भी नहीं है तो हम रिफ्रेश करेंगे स्क्रीन को, और हम बोलेंगे कि इमेज URL जो भी है वो हमारा हो जाएगा अपलोडेड इमेज URL, ठीक है। अब इस मेथड में हमने फाइल को सिलेक्ट करके इमेज को डिस्प्ले तो करा दिया, ठीक है। अब अपलोड कैसे होगी फाइल वो अब देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सेम वैसे ही करना है, अपलोड फाइल नाम की मेथड हम क्रिएट करेंगे असिंक, ठीक है। इसको मैं फ्यूचर दे देता हूँ, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग जो होगा URL। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड फाइल में हम एक URL की डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें वो स्ट्रिंग के थ्रू उसको भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपलोड फाइल में हमें एक फाइल का जो पाथ है वो लेना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले उस फाइल के पाथ को में से जो लास्ट नेम है उसको मैं ले लेता हूँ पहले, ताकि फाइल का नाम सर्वर पर प्रॉपर स्टोर हो, और उसका लास्ट इसको प्रॉपरली ऐसे देना होगा लास्ट, ठीक है। इसको हम ले लेंगे फाइल नेम। अब हम क्या करेंगे, फायरबेस स्टोरेज में इसको स्टोर करेंगे। तो फायरबेस स्टोरेज में इंस्टेंस के अंदर रेफरेंस हम बोलेंगे इस चाइल्ड को, किस चाइल्ड को, फाइल नेम को स्टोर करो, और उसका जो भी रेफरेंस पॉइंट है, मतलब जो भी रेफरेंस है वो हमें रिटर्न में प्रोवाइड करें, तो हम उसको बोलेंगे स्टोरेज रेफरेंस, ठीक है। यहाँ से हमें इस फाइल का रेफरेंस मिल गया। अब हम उसको
स्टोरेज रेफरेंस के अंदर पुट फाइल करके स्टोर कर देंगे, राइट कर देंगे मतलब, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे अपलोड टास्क, इसको हम बोलेंगे अपलोड टास्क। अब जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम चीज़ों को वेट करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे अपलोड टास्क व्हेन कंप्लीट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे जैसे प्रोग्रेस दिखाना है या कुछ दिखाना है तो आप वो कर सकते हैं, पर उसको मैं एक स्नैपशॉट में ले लूँगा जिसको मैं बोलूँगा टास्क स्नैपशॉट, ठीक है, स्नैपशॉट। और इसको वेट करेंगे अपन, जब ये कंप्लीट हो जाएगा स्नैपशॉट तो हम वहाँ से चेक करेंगे कि स्नैपशॉट डॉट स्टेट अगर सक्सेस हो चुकी है तो हम उसको टास्क स्टेट डॉट सक्सेस की मदद से चेक करेंगे। अगर ये सक्सेस हो चुकी है तो हम उसका जो भी URL रहेगा रेफरेंस का वो हम गेट करेंगे, डाउनलोड URL, और उसको स्टोर करेंगे हम हमारे रिटर्न वेरिएबल में जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। अब जब तक यहाँ पे डाउनलोड URL उसको मिले, अब एक बार उसको मिल गया तो हम बोलेंगे कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली सक्सेसफुली, और जो भी डाउनलोड URL है आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं थंबनेल URL लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे थंबनेल URL, इसको आपको ऑप्शनल चेक लगाना होगा, ठीक है। एल्स हम बोलेंगे कि फाइल अपलोड नहीं हुई है, फाइल अपलोड फेल, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे नल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपलोड फाइल और सिलेक्ट फाइल। अब हमें यहाँ पे जब ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल्स ऐड करना है, ठीक है। इमेज के साथ में ये सारी चीज़ें ऐड भी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले ऐड डिटेल्स का एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको आना होगा नीचे, फिर से एक पूरा बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे मैं एक कंटेनर ऐड कर देता हूँ, उसमें मैं पैडिंग ऐड कर दूँगा जिसको मैं बोलूँगा लेफ़्ट और राइट से हमें एक बटन की स्पेसिंग चाहिए, तो मैं उसमें सिमेट्रिक का यूज़ करके दे सकता हूँ कि हॉरिजेंटल में इतनी स्पेसिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। उसका कलर हम बटन का दे देंगे कलर्स डॉट ब्लैक, उस कंटेनर का बटन हम कलर हम दे देंगे ब्लैक कलर, और उसके चाइल्ड में अब हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, एक रो, ठीक है। उस रो का क्या होगा, उस रो में हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, एक एलिवेटेड बटन और एक टेक्स्ट, ताकि हमें ऐड डिटेल्स का जो लुक एंड फील है वो भी प्रॉपर प्रोवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक्सपांडेड की मदद से यहाँ पे एक चाइल्ड ऐड करता हूँ, उसमें हम एक एलिवेटेड बटन ऐड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। एलिवेटेड बटन के ऑन प्रेस्ड इवेंट पे हमें कुछ तो एक मेथड कॉल करना होगा, ठीक है, और उसकी स्टाइल हम प्रोवाइड कर देंगे। स्टाइल में हम बोलेंगे कि एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, ठीक है। उसका कलर हम दे देंगे ब्लैक कलर, और उसकी पैडिंग हम सेट कर देंगे एच इनसेट्स डॉट सिमेट्रिक, और इस बार मैं वर्टिकल स्पेस देता हूँ कितनी 16। ये होगा हमारा बटन ऐड। अब इसके चाइल्ड में हम ऐड करेंगे ऐड डिटेल्स, इसको मैं वीडियो डिटेल्स भी बोल सकता हूँ, ऐड वीडियो डिटेल्स, ठीक है। इसकी स्टाइलिंग अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे स्टाइल उसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल। अगर आपको विजेट से रिलेटेड, ये जो मैं विजेट्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इसका मैंने एक कंप्लीट ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस वीडियो में हमने UI विजेट्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किए थे, राइट, तो आप उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको रीलोड कर देते हैं, ऐड वीडियो डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसके क्लिक करने पे हमें एक कॉल बैक क्रिएट करना होगा, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट हमने लिया था, राइट। यहाँ पे मैं बोलूँगा गेट ऐड डिटेल्स कॉल बैक, और यहाँ से हम उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसकी मेथड हम क्रिएट करेंगे नीचे, उसको मैं बोलूँगा void
फंक्शन, और उसका नाम हम दे देंगे गेट एड डिटेल्स कॉल बैक। और यहाँ से हम एक कॉन्टेक्स्ट वहाँ से लेंगे, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, जो भी ऊपर से आ रहा होगा उसका कॉन्टेक्स्ट हम ले लेंगे। इसको रिटर्न करेंगे हम लोग, ऐड कोर्स डिटेल्स के अंदर, ठीक है। इसमें भी हम कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अब ये नाम की मेथड भी हमको क्रिएट करना होगा एक, जिसको मैं बोलूँगा ऐड कोर्स डिटेल, और ऊपर से जो भी कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है उसको लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम जब नेविगेट करेंगे ये डिटेल्स ऐड होने के बाद हम इसको होम स्क्रीन पर सेंड करेंगे, तो नेविगेशन के टाइम हमें ये कॉन्टेक्स्ट लगेगा कि कौन से स्क्रीन से किस स्क्रीन पर वो जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर असिंक ऐड करेंगे। अब हम जो भी डिटेल्स है इसको हम फायर स्टोर में स्टोर करेंगे, तो उसके लिए आपको करना होगा ट्राई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है, फायरबेस एक्सेप्शन अगर आता है, तो हम इसको कैच करेंगे और हम बोलेंगे जो भी एरर आ रहा है वो प्रिंट कर दीजिए एरर, ठीक है। अब ट्राई में आपको जो भी आपके कंट्रोलर्स है, जैसे वीडियो नेम कंट्रोलर, तो ये एक्चुअली क्लास के अंदर हमें लिखना होता है, तो ब्रैकेट्स अगर प्रॉपर नहीं है तो वो इशू देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, इसकी मदद से मैं वीडियो टाइटल यहाँ पे ले लूँगा और इसको मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं नेम ही बोल देता हूँ, वीडियो नेम। उसके बाद आपको स्टोर करना है वीडियो आईडी। वीडियो आईडी के लिए आपको वीडियो आईडी कंट्रोलर एक लगता है टेक्स्ट डॉट ट्रिम। उसके बाद स्ट्रिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ से जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का वो हम ले लेंगे और उसको ट्रिम कर देंगे, ठीक है। अब बहुत इजी है, अब इसको बस स्टोर करना है हमें, तो हम यूज़ करेंगे फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कौन से कलेक्शन में स्टोर करना है, हम बोलेंगे वीडियो डिटेल्स के अंदर उसको स्टोर कर दो, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है क्रिएट हो जाएगा उसमें सेट कर दो ये सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पे आपको जो जो डिटेल्स ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा वीडियो नेम, तो इसका जो भी नेम होगा वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम बोलेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो भी है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम वीडियो आईडी भी ले लेते हैं, तो वीडियो आईडी हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो वीडियो आईडी हमारा मिल गया। एक और चीज़ हमें लगेगी, थंबनेल यूआरएल, थंबनेल यूआरएल, ये हमने स्टोर किया था थंबनेल यूआरएल के अंदर, ठीक है। और एक हम ऐड कर देते हैं कि कब ये वीडियो ऐड हो रहा है, तो हम उसको क्रिएटेड ऐड बोलते हैं, और डेट टाइम जो भी होगा वो निकाल के यहाँ पे ऐड कर दें। सारी डिटेल्स अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो हम प्रिंट कर देंगे कि वीडियो डिटेल्स आर एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। और उसको हम नेविगेटर की मदद से नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, उसको हम होम स्क्रीन पर उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर ऑल द डिटेल्स, ये जितने भी डिटेल्स यहाँ पे ऐड होगी इसके क्लिक करने पर वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, बैक अपनी जगह पर, होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे बैक करने के लिए कुछ फीचर नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऐप बार ऐड करना होगा, तो वो एक चीज़ कर लेते हैं ताकि नेविगेशन प्रॉपर हो जाए ऐप का, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐप बार ऐड करेंगे हम लोग ऐप बार, ठीक है। उसके बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे हम लोग ब्लैक कलर, और लीडिंग में हम ऐड करेंगे एक बटन को, तो उसको हम बोलेंगे आइकन बटन ऐड हो जा, और उसमें हम आइकन सेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे आइकन एक आइकन्स डॉट एरो बैक, ठीक है। इस आइकन की मदद से हम
पीछे जा सकेंगे और इसके ऑन प्रेस इवेंट पे हम नेविगेटर डॉट पॉप कर देंगे ताकि जो भी स्क्रीन से ये आया होगा उसी स्क्रीन पर ये वापस चले जाए ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैक भी आ सकते हैं। ये हो गया हमारा कोर्स डिटेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे स्पेस ऐड हो गई, तो उसके लिए आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक नंबर दे सकते हैं 40, ताकि वो स्पेसिंग यहाँ पे प्रॉपर हो जाए। अब हमारा जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि जब भी ये डिटेल्स ऐड होगी वो इस स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको आना होगा अपने कोर्स डिटेल्स की स्क्रीन पर। इतना जो पार्ट था ना हमारा वीडियो प्लेयर तक, इस यहाँ तक रखना है, और जो लिस्ट वाला कोड था उसको हमने रिमूव कर दिया अभी के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर की मदद से हम एक स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रीम बिल्डर और स्ट्रीम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे अगर डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो एक श्योर क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। स्नैपशॉट, अब इसको स्ट्रीम में हम लेंगे कि फायरबेस फायर स्टोर में जो भी हमारा कलेक्शन का नेम है वो क्या था, वीडियो डिटेल्स, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पे स्टोर की है हमने। यहाँ से जो भी स्नैपशॉट मिल रहा है उसको ले लो, उसको तुम स्ट्रीम के अंदर ले लो, उसको ले लो, और बिल्डर के अंदर हम अब स्नैपशॉट को फेच करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट स्नैपशॉट, अब जो भी यानी जो ये जो डिटेल हमने ऐड किया था यहाँ पे, ठीक है, ये डिटेल एक डॉक्यूमेंट की तरीके से उस फायर स्टोर में स्टोर हुई। इस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको फेच किया और एक स्नैपशॉट की मदद से हम चेक करेंगे कि इसमें डेटा है क्या, ठीक है। अगर इसमें डेटा अवेलेबल है तो हम बोलेंगे प्रिंट कर दो कि भाई डेटा अवेलेबल है, डेटा इज़ अवेलेबल। अब इसको एक डॉक्यूमेंट्स नाम के वेरिएबल में ले लेते हैं, तो मैं बोलूँगा स्नैपशॉट डॉट डेटा, इसके जितने भी डॉक्स है उसको हम ले लेंगे एक वेरिएबल के अंदर जिसको मैं बोलूँगा लिस्ट, ठीक है। इस लिस्ट को हम नाम दे देंगे डॉक्यूमेंट्स, और इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। अब हम एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे यहाँ पर, उसके अंदर डेटा डिस्प्ले करेंगे। बेसिक बहुत सिंपल है ये, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हमने डेटा को फेच किया, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, एक्सपांडेड में दे दूँगा ताकि यूआई रिलेटेड इश्यूज़ आपको नहीं है। एक्सपांडेड एक्सपांडेड के अंदर हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें दो तीन चीज़ें ऐड करना होगा, जिसमें हम बोलेंगे आइटम काउंट, वो होगा कितना, डॉक्यूमेंट्स डॉट लेंथ, जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमें मिले उसकी पूरी लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। और आइटम बिल्डर के अंदर हम एक इंडेक्स और एक कॉन्टेक्स्ट को सेट करेंगे। यहाँ पे हमने दो चीज़ें ले ली, ठीक है। अब यहाँ से हमें डेटा को फेच करना है, तो हम बोलेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको निकालो और उसको टाइपकास्ट कर दो इस स्ट्रिंग और डायनामिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे डेटा जो अवेलेबल है वो एक की फॉर्मेट में, की वैल्यू फॉर्मेट में स्टोर है। तो की हमारी स्ट्रिंग हो गई, जैसे वीडियो नेम हमने दिया तो वो की हो गई, और उसके अंदर जो भी वैल्यू हो गई वो कुछ भी हो सकती है। तो हमने अभी फ़िलहाल डायनामिक दे दिया वहाँ पे, ठीक है, वैसे वो स्ट्रिंग ही है। और इसको हम ले लेंगे स्ट्रिंग डॉट डायनामिक में, ठीक है, डेटा इस वेरिएबल में हमने वो चीज़ें ले ली। अब कुछ नहीं, अब बस आपको उसके थ्रू जो भी आपका की का नेम है वो लेके आप चीज़ों को फेच कर सकते हैं। जैसे थंबनेल यूआरएल है, अगर ये थंबनेल यूआरएल अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एम्प्टी को ऐड कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसको हम एक थंबनेल यूआरएल नाम के वेरिएबल में ले लेते हैं, थंबनेल यूआरएल लाइक दिस। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें फेच करनी है, जिसको मैं बोलूँगा वीडियो नेम, यहाँ पे हम वीडियो नेम कर देंगे, और एक वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन, और एक चीज़ लगेगी हमें वीडियो आईडी, ठीक है। तो वीडियो आईडी भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, वीडियो आईडी। सबसे पहले इसको इसमें ना एक पैडिंग का एलिमेंट ऐड कर देते हैं, इस लिस्ट व्यू को एक पैडिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ पैडिंग में, उसको मैं बोलूँगा 6, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, लिस्ट टाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमें वो थंबनेल, यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए मैं बोलूँगा एक जेस्चर डिटेक्टर हम करेंगे कि उसके क्लिक करने पर उसके चाइल्ड एलिमेंट में हम एक चीज़ ऐड करेंगे, इसमें हम पैडिंग दे देंगे उसको कॉन्स्ट को मैं 10 दे देता हूँ, ठीक है। इसके चाइल्ड में हम एक लिस्ट टाइल क्रिएट करेंगे जिसके लीडिंग में हम बोलेंगे कि एक इमेज जो थंबनेल यूआरएल आ रहा है उसको डिस्प्ले करो। तो हम उसको बोलेंगे कि इमेज डॉट नेटवर्क से ये थंबनेल यूआरएल आ रहा है, इसको आप कैच करो, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिया। इसके टाइटल में हम डालेंगे टेक्स्ट जो हम बोलेंगे इस वीडियो नेम से आप उसको ले लो, ठीक है। और इसके सब टाइटल में हम बोलेंगे कि एक टेक्स्ट ले लो और वो होगा हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन। जेस्चर डिटेक्टर के ऑन टैप इवेंट पे जब भी वो लिस्ट एलिमेंट क्लिक होगी तो वहाँ पर आपको यूट्यूब कंट्रोलर को बताना है कि कौन सा वीडियो लोड करना है। तो हम बोलेंगे वीडियो आईडी आप लेके उसको प्ले करो, और उसके लिए आपको एक प्ले मेथड यहाँ पे कॉल करना होता है बेसिक, ठीक है। अब जो एरर्स आ रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रीम बिल्डर हमने बनाया है ना, ठीक है, इसमें हमने इफ़ कंडीशन तो लगा दिया, अब इसके एल्स इफ़ में एक ऐड कर देते हैं कि अगर स्नैपशॉट में अगर कुछ भी एरर आता है हैज़ एरर देन रिटर्न, जो भी एरर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, टेक्स्ट जो भी एरर होगा हम बोलेंगे एरर स्नैपशॉट डॉट एरर यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, एल्स जब तक वो डेटा लोड हो रहा है बैकएंड से आ रहा है तो यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम एक लोडर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा मैंने ऑलरेडी एडिट किया हुआ था ये डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जो फायरबेस में यहाँ पे एडिड है, ठीक है। ये वीडियो डिटेल्स कलेक्शन में मैंने दो चीज़ें ऐड की हुई है, वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि स्टोरेज में अगर आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये एनेबल करना होता है। तो जैसे ही स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आता है एनेबल, उसको क्लिक करेंगे तो आपका स्टोरेज भी एनेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको है ना, ये जो इमेज है ये इमेज डायरेक्टली अपलोड नहीं होगी यहाँ से, क्योंकि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो इसका रियल डिवाइस में मैं एक आउटपुट लेके यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ तो आप उसको प्रैक्टिकली देख सकेंगे कि इमेज को गैलरी में से कैसे लेके मैंने अपलोड किया और डेटा वहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं किस तरीके से वीडियो डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ रियल डिवाइस में। ये सारी चीज़ें ऐड करने पर ये डिटेल्स वहाँ ऐड होगी और डिस्प्ले होगी हमारे UI पे, हमारी प्लेलिस्ट वाले UI पे। आई होप कि आपको इस टास्क में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी कि इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, वहाँ पे जो डिटेल्स हम फॉर्म में ऐड कर रहे थे उसको फायरबेस में कैसे स्टोर करें, फिर वहाँ से उन डिटेल्स को कैसे फेच करके प्लेलिस्ट में डिस्प्ले करें। तो एक फुल फ्लेज ऐप आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने साइन इन कवर किया था, क्रिएट अकाउंट, फॉरगेट पासवर्ड, फिर एक ग्रिड व्यू की मदद से कोर्सेज डिस्प्ले किए, फिर वहाँ से एक प्लेलिस्ट और यूट्यूब कंट्रोलर, फिर एडमिन वाली चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि मेंटर को अगर प्लेलिस्ट ऐड करना है कुछ से तो वो भी वो इस ऐप में कर सकता है, ठीक है। धीरे धीरे हम इसी ऐप को कंटिन्यू करके फ्लटर ब्लॉग जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी हम कवर करेंगे। तो इस फ्लटर प्लेलिस्ट में आप ज़रूर बने रहें क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। फ्लटर सीरीज़ अगर आपको हेल्प कर रही है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि कोडिंग कम्युनिटी में हम और आप दोनों साथ में ग्रो कर पाएं। तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।